أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم एहतराम के काबिल सभी को मानते हैं मोहतरम मगर मोहम्मद मुस्तफा के बाद। मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो उसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे जनाब मुख्तार अहमद साहब। अब दावत खिताब है शहजादा अहले हदीस शेर इस्लाम नौजवानों के दिलों की धड़कन हजरत मौलाना सैफुर रहमान आसम साहब, उनकी आमद से कबल एक जोरदार नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हजरत मौलाना सैफुर रहमान आसम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील कबीरिल मुताल वस्सलातु वस्सलामु अला أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ। عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، مختصر حمد و ثنا تو بعد तमाम तारीफ़ा अल्लाह ज़ुलजलाली वल इकराम दी ज़ात वास्ते, बेशुमार ला तादाद दुरूद व सलाम दे लायक इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस दे वास्ते, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे उनवान तो ए मुनक्कद होने वाला प्रोग्राम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी नबुव्वत वाली जिंदगी 23 साल है। ये 23 साल नबुव्वत का जिहड़ा दौर है, एक करोड़ 20 लाख 8,800 मिनट ते मुश्तमिल है। इस दे अंदर अल्लाह पाक ने आप नू ओ हुक्म बयान फरमाए ने जेड़े जेड़ियां चीज़ां तुहाडे और मेरे लिए और क्यामत तक आन वाले लोगों के वास्ते फायदे दिया सन। अगर कोई ऐसी गल जिहड़ी नामुनासिब सी नुकसानदेह सी अल्लाह पाक ने उस तो मना फरमा छड़िया, अगर कोई फायदे वाली सी अल्लाह पाक ने उदा हुक्म दे छड़िया। शेख इबने उसैमैन रहमतुल्लाह अलैह सऊदी अरब के बहुत बड़े शेख ने फरमाते ने जिमें जिसम बीमार हो जाता है इवें दिल भी बीमार हो जाता है। तेरे और मेरे मुआशरे की हालत ये
अज तेरे और मेरे मुआशरे दे अंदर लोगों के अक्सरीयत दे दिल बीमार हो चुके ने। और जो तो दिल बीमार हो जाता है दो बीमारियां लग जांदियां ने, एक शुभहात की बीमारी, शक करना, शुभा करना, और दूसरी बीमारी है शहवत, शहवात ज़्यादा हो जांदियां ने। शुभा वो चीज़ है कि जिस वेले हक और बातिल खलत मलत कर दिते जांदे ने, लोग समझते ने कि हक केड़ी चीज़ है, बातिल केड़ी चीज़ है, लोगों नू ए फायदा करना या इस नू निखारना या इसका पता चलाना मुश्किल हो जाता है, इनू कहते ने शुभहात। जो लोग शुभया दे अंदर, शक दे अंदर, शकूक दे अंदर मुबतला हो जाते ने, उस वक्त मुआशरे की जहालत का ये अमल पैरा हो जाता है कि बंदा जिहड़ा मुआशरा है, मुसलमान है या लोग ने, वह जहालत ते मबनी ने। और इमाम इब्नुल कय्यम और रहमतुल्लाह ने उन्होंने किताब लिखी आलामुल मुअक्किन, उहदे अंदरों मैं चंद गुनाह, कबीरा गुनाह 140 कबीरा गुनाह दे नाम तो छोटा जिहा किताबचा भी ओ अल्लाह दी तौफीक नाल मैं गुनाहगार ने तालीफ किया। उस किताबचे दे अंदर आपने यानी उन्हां गुनाहां दे अंदर इमाम साहब ने फरमाया कि जो बंदा अपनी ख्वाहिश नू, अपनी राय नू मुकद्दम रखदा है, अपनी राय ते लोगों का अमल करवाना चाहता है, वो बंदा एवें है कि वह कबीरा गुनाह का मुरतकब हो जाता है। और जो शहवत आती है, शहवत इस बीमारी का नाम है कि बंदा उस हक बात उसनों बयान की जाए, वो सामने दसिया जाए, कुरान हदीस का हवाला दिता जाए, वह मनन तो इनकार कर देता है। समझ लो उस बंदे का दिल शहवत के अंदर मुबतला है। अल्लाह अकबर। शेख अब्दुलरहमान असादी रहमाउल्ला वह भी सऊदी अरब के एक बहुत बड़े शेख ने, ये फरमाते ने और लोगों को याद जो जड़े हज उमरे से जाते ने उन्होंने पढ़ पढ़ के सुनाते ने, मालिक अरजो समाने कुराने पाक दे अंदर फरमाया वयुसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलकौले साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने फरमाया उना बंदियां नू मुबारक होवे जिहड़े बंदियां दा दिल नाल अल्लाह पाक ने कौले साबत दे नाल ईमान दे नाल मुंसलक कर जड़िया नाल, जदों इन्हां दे सामने कुरान हदीस नू पढ़िया जांदा, इन्हां दे सामने लोगो कुरान हदीस दीआं गल्लां कीतीआं जांदीआं, बिदात ते खराफात नू पिछे हटाया जांदा नाल, इह बंदे मन जांदे ने वाकई कुरान ऐ आंदा है। लोग बाबियां नू नहीं देखते, अबाओ अजदाद नू नहीं देखते, अपने वडेरियां नू नहीं देखते, साडे वडेरे किंज करदे रे नाल, अपने इलाके नू भी पिछे छोड़ देंदे, अपने बरादरियां नू भी पिछे छोड़ देंदे। अल्लाह जलाले वले कराम ने फरमाया वयुसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले मुबारक दे मुस्ताक ने नाल जिन्ना दे दिल अल्लाह पाक ने कुरान और सुन्नत दे नाल मुंतलक कर जड़े ने नाल, दुनिया दी जिंदगी दे अंदर भी अल्लाह पाक इन्हां लोगां नू कामयाबियां अता करेगा, आखरत दे अंदर भी कामरानियां मिलणगियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ लोगो मेरे प्यारे आका जनाबे मुहम्मद मतलब आराम देन वाला, सुकून देन वाला, अपने पाप नू सुकून ते इत्मीनान दिलवाण वाले सन। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ लोगो इसहाक दी वारी आई, हंसने वाला यकूब दी वारी आई,
ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੀ ਹੈ ਸੰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਦਿਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਈਸਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੰਮਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਫ ਤੋਂ ਮੁਬਾਲਗੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅੰਦਰ ਚੰਦ ਜੁਮਲੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਜਿਸ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਜਿਸ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਉਮਰੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿਡੇਰਾ ਹੈ ਲਾਇਆ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਅਖਲਾਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਅਖਲਾਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੂੰ ਦਿਲ ਪਿਆ ਤੜਪਦਾ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤੜਪ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੱਕਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਨਾਲ, ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਚਾਅ। ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੂੰ ਹੈ ਦਿਲ ਪਿਆ ਤੜਪਦਾ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਇਹ ਦੁਆ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗੀਏ ਇਹ ਦੁਆ, ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਬਿਦਾਤ ਤੇ ਖਰਾਫਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣ ਜਾਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਆਏ, ਹਰ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨੱਪਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਛੁਪਾਇਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ,
हर नबी दे जिम्मे ए काम सी। हर नबी ने अपनी अपनी कौम नू ओ गल दसी ना जिदे अंदर ओदा फायदा ना। और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वारी आई, प्यारे आका ने कोई गल नहीं छुपाई, हर गल दा तरीका दस छड़िया, हर कम दस छड़िया, हर भलाई वाला अमल दस छड़िया ना। मेरे वीरा जे सड़कां ते जुलूस कढ़ना खैर वाला अमल हुंदा, अल्लाह दी कसम मेरा नबी कदे नहीं छुपा के जांदा। मेरे नबी ने फरमाया बाजारा दे अंदर हुल्लड़बाजियां नहीं करनिया। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे नबी दा ए तरीका सी। मेरे नबी ने ना सौण वालियां नू सलाम भी नहीं बुलान दियां इजाजतां दित्तियां। जो बंदा कोई सो रहा होए रात नू सलाम भी नहीं उच्ची आवाज दे नाल करना, किधरे ओदी नींद दे अंदर खलल ही पैदा ना हो जाए। इस वास्ते मेरे नबी अली सलाम ने फरमाया, लोगो हर खैर दी गल जेड़ी मेरे ने मेरे जिम्मे अल्लाह ने लगाई सी मैं तुहानू दस छड़ीए। मेरे तो पहला नबी आए उन्हें भी यही काम किया, मैं भी यही किते। और मेरा खैर खा नबी अगर ये उम्मत को छुपा गया है तो कितनी बड़ी ज्यादती है, ये तोहमत है, ये नबी ते आरोप है, नबी ते इल्जाम है कि नबी पाक अली सलातो सलाम ने ओ गल्ला दसिया ने वीरा ये सड़क ते जुलूस करने चौका ते जुलूस करने और ये बिदात ते खराफात तू मेरा नबी मना कर गया, हुल्लड़बाजियां तू मना कर गया, बाजारा दे अंदर शोर करम तू मना कर गया। मेरे अल्लाह दे कुल दुआए, अल्लाह मेरे मुसलमान वीरा नू समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।